नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी से। मैं बदरुज्जमान अंसारी अभी अब समस्तीपुर जिला के मोहनपुर प्रखंड के अंतर्गत यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना के तरह से यहाँ चल रही जनजागरूकता अभियान के तहत ये आज अभियान का समापन समारोह है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इस कार्य में उपस्थित हैं, उनकी गाड़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये GMRD कॉलेज के तत्वाधान में ये चलाई जा रही थी जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के बारे में। आज 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का समापन सत्र रहा। समापन सत्र में हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो सभी दिनों के कार्यों का फीडबैक दिए और साथ ही साथ अपने उपलब्धियों को बताए और वे 7 दिनों में क्या सीखा, क्या अनुभव किया और उन्हें अनुभव करके सीख करके जीवन में उतारने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर डाला। और साथ ही साथ हमारे जो अतिथिगण आए, हमारे माननीय अतिथिगण प्रोफेसर डॉक्टर दयानिधि प्रसाद राय सर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छात्रों को बहुत कुछ बताए, राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व को बताए और वे कहे कि आज ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश के बच्चे शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। उसका कारण है कि वे अपने माँ पिता परिवार के साथ संयमित होकर के अनुशासित होकर के पढ़ाई लिखाई करते हैं, हर एक कुछ करते हैं, लेकिन शहर के जो बच्चे हैं वो चकाचौंध में बिगड़ जाते हैं। उनका सर्किल, उनका जो सोसाइटी होता है वो दिखावे वाला हो जाता है, उसी दिखावे के चक्कर में अपने रिजल्ट को छोड़ जाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं और वे सफल नहीं हो पाते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैट्रिक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित रिजल्ट जो मैट्रिक का और इंटर का है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही टॉप किए हैं, 110 में आए हैं कि नहीं, एकदम मैं देख रहा हूँ। उसी चीज़ को उन्होंने फोकस किया। साथ ही साथ हमारे BDO साहब और अंचल प्रखंड पदाधिकारी श्री चंदन कुमार जी आए बच्चों को के बीच और यहाँ के अंचल अधिकारी श्री राजीव नयन पांडे जी आए। उसके बाद हमारे मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी श्री संजीव कुमार जी आए और इस प्रकार से इन्होंने भी हमारे बच्चों को बहुत कुछ बताए और अपने शब्दों से उन लोगों को आशीर्वचन दिए। साथ ही साथ सर, ये जागरूकता जो रैली चली थी किन किन बिंदुओं पर, ये जागरूकता रैली यहाँ पर चला, पहला दिन तो उद्घाटन हुआ, उसके बाद दूसरा दिन जो हुआ वह औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और वैसे युवा जो नियमित रोजगार में नहीं है उन पर सर्वेक्षण कार्यक्रम हुआ। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जो था वो सर्वेक्षण का हमारे बच्चों ने गांव-गांव जाकर के किया सर्वेक्षण का। उसके बाद जो है बाल विवाह दहेज प्रथा निषेध पर हमारे बच्चे ने जागरूकता रैलियां निकाली, समाज को अवेयर किया, इसके बारे में मैसेज दिया नुक्कड़ नाटक के द्वारा, क्विज के द्वारा, निबंध प्रतियोगिता के द्वारा। इन लोगों ने अपने आप को ट्रेंड हुआ और जाना इस चीज़ को और यही मैसेज आम लोगों तक देने का काम किया। उसके बाद जो है सो यहाँ पर चौथे दिन के प्रोग्राम में यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा, इसमें डॉक्टर साय हमारे मोहनपुर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी, वे हमेशा हमारे बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते रहते हुए आए और उनकी टीम और स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, जांच हुआ, दवाइयां दिए बच्चों को, आम लोगों का भी जांच किए। स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर सर लगी थी? स्वास्थ्य यहीं पर, स्वास्थ्य भी लगा था, यहीं पर लगा था। रविंद्र कुमार, उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं जो इन्होंने कराटा में अहम भूमिका निभाते हुए देश विदेश स्तर पर ये गए हैं, इनकी अनुभव के बारे में जानते हैं। सर, आपको BRG टीवी में स्वागत है। सर, अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे, इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ सर। जी सर, सर ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के द्वारा मतलब आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में व्यक्तित्व, विद्यार्थियों का सामाजिक सेवा के माध्यम से उनका व्यक्तित्व विकास करना, विकास करना। और हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर बहुत ही मतलब एक्टिव है और हम लोगों को हमेशा प्रत्येक साल इस तरह का कैंप आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष इसी महीने में और हमारे विद्यालय के 50 वॉलंटियर्स में शामिल होते हैं। जी जी, तो ये 7 दिवसीय प्रोग्राम हम लोग, तो ये तो राष्ट्रीय सेवा योजना की बात हो गई, एक नई बात उभर के आई है सर, आप पहले अपना परिचय देंगे सर। जी सर, सर मेरा नाम बबलू कुमार है, आप जानते हैं, इसके साथ मैं मतलब कराटे खिलाड़ी भी हूँ। जी जी, जैसे मैंने भूटान में गया था खेलने के लिए, अपना इंडिया हुआ था इंटरनेशनल चैंपियनशिप पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, तो मैंने उसमें भी खेला था और अपने महाविद्यालय से भी मतलब खेले हैं 2-3 साल से, उसमें भी हमने बढ़िया परचम लगाया है, यूनिवर्सिटी में अपने महाविद्यालय को दूसरा स्थान दिलाया था वर्ष 2020 में और 2021-22 में हमने खेले। भूटान जाने का मौका सर कैसे मिला? भूटान जाने का सर मौका, जैसे कि हम लोग बराबर चैंपियनशिप खेलते रहते हैं, जी जी, तो एसोसिएशन फेडरेशन का गेम होता रहता है,
एसोसिएशन फेडरेशन के जो कोच वगैरह हैं वो सब हम लोगों को इस तरह की मंच देते हैं कि आप वहाँ पे जाके खेल सकते हैं और सब खेल जल्दी होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सर बताया जाए सर अपने अनुभव। जी सर, तो हम ऐसे चैंपियनशिप 2016 से खेल रहे हैं सर, और अभी अब तक किन किन जगहों पर किन किन देशों में आप खेल चुके हैं या देश अपने देश के अंदर में कहां कहां जाकर प्रतिभा को अपना व्यक्त किया है? सर हम अभी तो विदेश की बात करें तो बस नेपाल और अपना भूटान खेलने के लिए गए हैं, और अपने देश में भी खेले इंटरनेशनल चैंपियनशिप, और भी जगह खेलने का अवसर मिला है बहुत सारा देश में, लेकिन क्या है कि मेरा परिवार की स्थिति कमजोर है तो वहाँ पे हम उस तरह से पैसा नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं वो चैंपियनशिप खेलने के लिए, तो खेल नहीं पाए वो। तो यहाँ तो सर बहुत आपको एक समझिए जो गरीबी सता रही है, जी जी सर, जी ये बाधा पड़ रहा है आपको चैंपियन बनने जी, जी। इसका श्रेय जैसे भूटान तक पहुंचाना या सबसे ज्यादा किनको श्रेय देंगे सर? इसके लिए हम हमारे कोच है दिलीप कुमार मलिक जो कराची स्टेडियम समस्तीपुर के प्रेसिडेंट है जी जी, और अभी वर्तमान समय में उन्होंने हमें जनरल सेक्रेटरी बनाया समस्तीपुर का जी, तो उनका श्रेय जाता है। हमारा टीचर भी है, गुरु जी हमारे टीचर वही है, और अभी तक उन्हें हम जी जी एक मिनट हमारे एनएसएस में ये पास आउट हैं लेकिन मदद करते हैं, वे नेहरू युवा केंद्र के नेहा कुमारी को, उसके बाद सचिन कुमार सातवां, सम्मानित करने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन कुमार हमारे